स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करना, ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। गोपी बाई सा फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने क्या किया, फिश बाय की एक शॉप से अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम। शॉपकीपर ने क्या किया, रैंडमली एक फिश निकाल के दी, ठीक है, फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 male fish and 8 female fish। 5 male fish से भरी हुई और 8 female fish से भरी हुई टैंक थी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने जो निकाला वो मेल फिश हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो, ये फिश टैंक है, ठीक है, ये शॉपकीपर वाला फिश टैंक है, उसने रैंडमली एक पिक किया यहाँ से, और इसके अंदर कितनी, 5 male and 8 female fish थी। 5 male 8 female, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें पता चल जाएगा यहाँ से। 5 and 8 13 होता है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी डैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम 5 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारा 13 है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं इसे आगे। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। ठीक है, गोपी ने बाय किया फिश फॉर हिज एक्वेरियम के लिए। शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडमली शॉपकीपर ने फिश निकाली कंटेनिंग 5 male fish and 8 female fish। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम टोटल नंबर ऑफ फिशेस लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फिशेस इन द टैंक कितनी हो जाएगी, 5 male plus 8 female, तो ये हो गया 13। ठीक है, अब लेट करते हैं, मेल के लिए निकालना है, मेल फिश के लिए। लेट एम बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। एम बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ मेल फिश, मेल फिश वाली इवेंट हमें बतानी है। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम, द फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट एम इस कितना हो जाएगा, मील के लिए कितना हो जाएगा, 5 इस 5। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश equals to favorable outcome upon possible outcome, तो हमारा favorable outcome upon में क्या आएगा, total number of possible outcome। ये थोड़ी जगह कम की वजह से मैंने इस तरीके से लिखा, आप क्लियरली लिखना। ठीक है, वैसे मैंने हिंट डाल के रखा है हम अपना, तो हम उसी तरीके से कर लेंगे। पी ऑफ एम इक्वल टू यही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है मेरा, 5 यहाँ पे आया था, पॉसिबल आउटकम मेरा कितना है, 13 यहाँ पे आया था, तो ये हो गया हमारा गेटिंग द मेल फिश। देयरफॉर यहाँ पे लिखना द प्रोबेबिलिटी, ये स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इस 5/13। स्टेटमेंट जो भी आप अपने ऑनवर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है, ये एम बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ये आप सब अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर बस वही आप फॉर्मूलाज ना भूलें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट करके बताइए, और लाइक करना ना भूलें मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर लेना, आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहेगी स्टैंडर्ड 10th के लिए।